सो हेलो एंड वेलकम गाइस, तो आज के ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता कि आप लोग अपनी आईडी की ईएक्सपी कैसे देख सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता ईएक्सपी क्या होता है तो वो भी मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी अपडेट के बाद तरीका चेंज हो गया। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारा लेवल अप कब होगा और कितनी ईएक्सपी हमारी हो चुकी है, तो वो जानने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो वो वाला तरीका आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पता होना चाहिए कि ईएक्सपी क्या है। ईएक्सपी असल में एक एक्सपीरियंस है। जैसे बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है तो उसका लेवल अप होता है, या मान लो प्रोमोशन होती है। तो बिल्कुल सेम है कि जब भी हमारा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी जल्दी हमारा लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस कैसे मिलता है हम लोगों को, जब भी हम लोग बीआर में खेलते हैं या सीएस कोई भी मैच खेलते हैं, फ्री फायर गेम खेलते हैं, तो हम लोगों को गेम जब हम लोग खेल के वापस आते हैं, जैसे बीआर खेल के वापस आएँ, तो हम लोगों को टॉप पे आप लोग देखोगे आप लोग को ईएक्सपी लिखा हुआ नज़र आएगा और उसके आगे कुछ नंबर होगा 400 500 600 मैक्सिमम 600 700 होता है। जब आप लोग बीआर में भुइया करते हो तो आप लोगों को 700 मिलता है जब आपके पास ईएक्सपी कार्ड होता है। ईएक्सपी कार्ड क्या होता है, एक्सपीरियंस कार्ड, मतलब उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा में कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब आप लोग देखो, जब हम लोग 52 लेवल पे होते हैं तो 390,000 हम लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, 390,000। और जब हम लोग भुइया करते हैं, समझ लो हमने बीआर में भुइया किया है, और बेशक किल मैटर नहीं करते, ये एक सर्वाइविंग गेम है और इसमें सर्वाइव करना ही सिर्फ मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ईएक्सपी मिलेगा। तो हम लोगों को पता चल जाता होता था कि हमारा कितना ईएक्सपी होता है, जब भी आप लोग अपनी प्रोफाइल खोलते थे तो वहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाता था। लेकिन अपडेट के बाद चेंज कर दिया गया कि ईएक्सपी हम लोगों को डिफरेंट वे से मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास एक ईएक्सपी कार्ड होता है 50% वाला और 100% वाला। उससे फ़ायदा क्या होता है, आप लोगों को अगर 400 एक्सपीरियंस मिला है तो अगर आप लोगों के पास 50% वाला ईएक्सपी कार्ड होगा तो वो 600 हो जाएगा, और अगर आप लोगों के पास 100% वाला ईएक्सपी कार्ड होगा तो वो हमारा 800 हो जाएगा। और ईएक्सपी कार्ड हम लोगों को मिलता कैसे है, हम लोग 100 डायमंड्स में भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन जब हम जो हमारे पास रैंक टोकन्स होते हैं उससे हम लोग 50% वाला इजीली ख़रीद सकते हैं। तो जब भी आप लोग गेम खोल रहे हो तो कोशिश किया करो आप लोगों के पास ईएक्सपी कार्ड हो। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का अपडेट के बाद ईएक्सपी आप लोग कैसे अपनी जान सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को जाना है अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद जहाँ पर आप लोगों का लेवल लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पर आप लोग लेवल लिखा हुआ है, 74 लिखा होगा, 52 जो भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाके आप लोग ने थोड़ी देर टैप करके रखना है। जैसे कि आप क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, थोड़ी देर टैप करके रखोगे तो आप अपनी नजर आ जाए। इस तरह से आप लोग अपडेट के बाद अपनी ईएक्सपी देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाता रहता हूँ।